हम राज यादव जी नहीं है, हमारा नाम ललन सिंह हुआ, हम राजपूत हैं। अच्छा, फिर भी तेजस्वी यादव के साथ हैं। हम लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं, हम लोग अपना जगह पर हैं, हमको बीजेपी भोजन दिए हुए हैं। वोट नहीं टूटेगा, सब नहीं टूटेगा, ना नहीं सब टूटे वाला नहीं, हम लोग पैसा बिके वाला नहीं है। 25 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हरा गमछा पहने हुए हैं चाचा। हाँ, वही लालू जी के देन है, लालू जी के देन है। कौन जीतेगा? जीतेगा बेलागंज से कौन जीतेगा? मनोरमा देवी की सुरेंद्र यादव के बेटा, सुरेंद्र यादव के बेटा खाना जब्त होगा उन्हें, मनोरमा देवी को पक्का पक्का। दादी कौन जीतता है? कौन कौन जीते से कर भागी दिया खाला दे। अरे इधर इधर ना, अरे सुनिए ना पहले ना, अरे 2 मिनट। अच्छा, 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा हुआ करता था और मुसलमान और यादव के बदौलत बिहार की कुर्सी तक लालू यादव लगातार विराजमान रहे हैं। उसके बाद 19 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार विराजमान है और 2025 में फाइनल बिहार में होगा, उसके पहले 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले और इस सेमीफाइनल को लेके आमने सामने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन बेलागंज में हमारी मौजूदगी और बेलागंज काफ़ी हॉट सीट है क्योंकि इस बार यहां से सुरेंद्र यादव के बेटे और मनोरमा देवी है। लगातार तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बेलागंज से सुरेंद्र यादव के बेटे जीतेंगे और उनके आगे मनोरमा देवी चारों खाने चित हो जाएगी। हमारे साथ जनता है, किधर के हवा चल रहा है और कौन जीतेगा? मनोरमा देवी कह रही है कि अबरी सब यादव हमारा धन्य है। उनको कहने से नहीं होगा, हम लोग आपके कहने से होगा। हाँ, हम लोग जनता हैं, जनता हम लोग वोट देंगे। हम लोग सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को वोट दिए हैं और काम भी हम लोग के बहुत बढ़िया से किए हैं, रोड रोड वगैरह नाली गाली सब बनाए हैं। तो तेजस्वी यादव को बोल रहा है मनोरमा देवी के लोग कि औकात नहीं है कि जीत पाएंगे? ना ना, वो तो देखिए इलेक्शन में बहुत तरह का हवा होता है, बहुत तरह का बात बोला जाता है, लेकिन हम लोग के लिए विश्वनाथ यादव जो हैं उनके लड़का हमारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का, तो हम लोग उन्हीं का वोट देंगे। हम लोग कैडर वोटर हैं, हम लोग उन्हीं को देंगे। यादव जी हैं? हाँ, यादव जी हैं। नाम हुआ आपका? हमारा नाम, हम राज यादव जी नहीं है, हमारा नाम ललन सिंह हुआ, हम राजपूत हैं। अच्छा, फिर भी तेजस्वी यादव के साथ? हाँ, हम लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। आप ये बात बोल रहे हैं, बीजेपी वाला तो घुसिया जाएगा। नहीं, बीजेपी वाला अपना देखे ना, कौन बीजेपी वाला अपना देख, फॉरवर्ड का वोट मेरे, कौन कहता है फॉरवर्ड? बीजेपी वाला अपना जगह पर है, हम लोग अपना जगह पर है, हमको बीजेपी भोजन दिए हुए हैं, हमारा जो काम कर रहे हैं, मेरा जो है नेता जो है तेजस्वी यादव है नेता, हम लोग का कर्मकांडी नेता है, नौजीवक है। पीला गमछी हरा गमछी साथ है? साथ है एकदम, हम लोग एकदम उनके साथ है। ये तो गमछी समझिए कि मनोरमा देवी भी जादवे है, तो मनोरमा देवी जादव है, तो उनको पड़ेगा फर्क, बहुत पड़ेगा फर्क। कोची है हमारा जो कैंडिडेट जीते हुए हैं वो पुनः लौट करके आ रहे हैं। बेलागंज का राजपूत किसके साथ? बेलागंज के राजपूत हम लोग सब सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के साथ हैं। कोई जाति पाति नहीं? कोई जाति पाति नहीं है यहाँ, आप विकास पर वोट है, यदुवंशी है, विकास किए हैं, विकास पर वोट है। देखिए कुछ और भी लोग हैं, किसके साथ आप लोग? हम तो सुरेंद्र यादव के बच्चे को वोट देंगे। सुरेंद्र जी आपको बेटा को वोट दीजिएगा जी। क्या नाम है? बबलू यादव। अच्छा, जादव जी हैं जी, बगल में राजपूत जाति के लोग हैं, बोल दिए हैं कि अपनी साथ। अरे भाई, तो मैंने साथ रहवे करते सब गली, बीजेपी वाला के पता चल जाएगा तो आदमी भेज के तुरंत तोड़ देगा कि कहीं तो यही सब वोट नहीं टूटेगा, सब नहीं टूटेगा। ना नहीं, सब टूटे वाला नहीं, हम लोग पैसा बिके वाला नहीं है, हम लोग देते हैं और हम लोग देते हैं। मनोरमा देवी भी जादव है? का कीजिएगा, जादव है तिथर ना आया है, पहले से नहीं ना था, अभी तो हम लोग उसको जो था पुराना आदमी उसको देंगे, आज हम लोग माँ बाप को भूल जाएंगे थोड़ी। लालू यादव जीतेंगे, एकदम जीतेगा, 100% 25 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, 100% पक्का। नीतीश कुमार देखे कने चचा जाएंगे, कने पलटेंगे, क्या पता उनका तो पलटू चचा है, कभी कने पलटेंगे उनका। कितना उम्र हो गया? कितना? अरे उम्र कितना होलवा? 75। 75। हरा गमछा पहने हुए हैं चाचा। हाँ, वही लालू जी के देन है। लालू जी के देन है। कौन जीतेगा? जीतेगा बेलागंज से कौन जीतेगा? मनोरमा देवी की सुरेंद्र यादव के बेटा, सुरेंद्र यादव के बेटा। मुर्दे पे जाइएगा? हाँ, जाएंगे नहीं, डंटे के सहारे चल दीजिएगा कि डंटो ऐसे जाएंगे, डंटो का। मनोरमा देवी अभी बहुत जादवे जी हैं। हाँ, जादवे जी। क्या नाम है? मनोरमा देवी नाम। अरे आपका नाम? हमारा नाम है धूरी यादव। धूरी यादव, देखिए धूरी यादव हैं और इस बार बोल दिए हैं कि धूरी धूरी कर देवेंगे। क्या नाम है आपका? और मथुरा यादव। इतना आप मोटा है कि जगह में नहीं है। किसको वोट दीजिएगा? वोट तो देंगे राव की, अगर विश्वनाथ यादव को। विश्वनाथ यादव? हाँ।
राजपूत लोग भी यहाँ के जादवे लोग? हाँ हाँ, हम लोग साथ, दोनों भाई साथ ही रहते हैं। साथ ही है हाँ। अभी नया समीकरण कर देना है? हाँ हाँ, उसमें कोई न रोके जा रहा है। सुरेंद्र यादव के बेटा के कितना वोट आ रहा है? कम से कम उनको 2 लाख वोट से ज्यादा ही आवेगा। मनोरमा देवी जमानत जब्त किसका होगा? जमानत जब्त होगा उन्हें, मनोरमा देवी को। पक्का? पक्का। हाँ हो भाई, इधर घसकाइए। कौन जीतेगा? नहीं रहना। अरे नहीं है तो पसंद कौन है, तेजस्वी की नीतीश? तेजस्वी यादव। अच्छा, नीतीश कुमार में क्या दिक्कत? नीतीश कुमार तो पलटू राम है, उसको तो कोई गारंटी नहीं। यही रहा हाँ। जी। तो कहते हैं कि हिया ना रही ली। नहीं है। चलिए देखिए दादी कौन जीतता है। कौन कौन जीते से कर भागी गया है? कोई खाला दे दे। अरे इधर इधर ना। अरे सुनिए ना पहले ना। अरे 2 मिनट। अच्छा सुनिए ना। कभी बोली ना हमने बोल। अरे सुनिए हमने ना बोले अबे बाबू। नाम क्या चाहिए ये तो बताइए। हमने कुछ ना नाम। अरे नाम कुछ हमने ना है ना। अच्छा लालू जी जीतेंगे कि नीतीश जीते? अरे इधर देखिए, पहले इधर देखिए ना। नाम कुछ देखिए, हमरा आंसू जाए। अच्छा सूझना नहीं है, बोलना है। नाम कुछ ना बोलबे ना कर। अच्छा वोट देवे जाइएगा? नहीं जाइएगा? पसंद कौन है? लालू जी कोई पसंद है? ना लस लालू रहे चाहे बिलालू रहे, कोई खाला हमरा दे ले है। अच्छा लालू जी बोले हैं अबड़ी ध्यान दिया जाएगा आप लोग पे। अच्छा जो ध्यान देगा उसको वोट दीजिएगा। अच्छा जादवे जी हैं ना? जादव ना। कौन जाती है? भुइया भूमि। भुइया भूमि तो किसको वोट दीजिएगा? केकरो ना बाबू। केकरो ना देंगे? केकरो नहीं देंगे, पूरा गुस्सा है। चाचा कौन जीत रहा है, सुरेंद्र यादव के बेटा की मनोरमा देवी? अब कौन जीत रहा है? वोट किसको दीजिएगा? लालटेन के आदमी है कि नीतीश कुमार के आदमी है? नहीं लालटेन के रहे हैं। लालटेन के हैं तो सुरेंद्र यादव के बेटा खड़ा, उन्हीं को वोट दीजिएगा? हाँ जी, चलिए उन्हीं को वोट देंगे। देखिए तमाम हम बेलागंज में हमारी मौजूदगी थी और जिस प्रकार से यहाँ जनता का मूड हम समझ रहे थे कि कौन जीतेंगे, कुछ और भी लोग हैं वहाँ पे। चाचा धूप ले रहे हैं, धूप इनसे पूछेंगे कि कौन जीतेगा। चाचा किन्ने के हवा चलेगा, इन्ने के कि इन्ने के? कर्म को पता ना चलो। अच्छा नाम क्या चाहिए, नाम तो बता दीजिए। नहीं बताइएगा? जाना था भूखा मत हमरा। भूखा रहे हैं? काओ का हट। कौन जीतेगा, सुरेंद्र यादव की लालू यादव? से वही गले से बतावेगा, हम ना बतावेगा। आप नहीं बताइएगा दादी? हाँ। का नाम बा? हमारा तो वह घर बा सुरेंद्र ही। अच्छा नाम क्या है? हमारा लालिया नाम है। लालिया देवी। ललिया देवी। कितना उम्र हो गया? हम उम्र कम जाने थी। अच्छा ठीक है, चुनाव हुई कौन जीतते? लालू जी के बेटा भी है। आप कौन? सुरेंद्र यादव के बेटा है। लालू यादव के बेटा के पार्टी से चुनाव लड़ते ना मनोरमा देवी है? अब जान ला सब बड़का आदमी के पूछा है, बोलनी दे है। अच्छा आपका घर सुरेंद्र यादव के पास है? हमारे घर वह लेल को है। कौन? सुरेंद्र यादव हमारे घर बने ना रहा है। अच्छा आप ही के घर में रहता है? अच्छा जादवे जी हैं आप लोग? तब किसको दीजिएगा वोट? आज भोटवा देवे बा खाना दे बा केकरा देवा, लालटेन के कि नीतीश कुमार के? दे देवे केकरो? केकरा बता ही दा। कुछ ना कुछ ना। अच्छा केकरो चाह अच्छा लगे हो तो ना, लालू जी अच्छा लगे तो उनकी नीतीश कुमार? बोला बोला कोल नहीं दे है या बोला बोला सब कुछ दे। अच्छा केकरा दीजिएगा वोट, लालू जी की कि नीतीश जी के पार्टी के? लालू। हट रे बुआ हट। लालू के। लालू के का है? दारू ना बंद हो रहा है? दारू बंद करवाए ना जी नीतीश जी? कहाँ बंद करवाए नीतीश जी दारू? सब तो पिए रहा। सब पिए रहा तो सुरेंद्र यादव के बेटा के वोट दीजिएगा? नहीं मनोरमा देवी के वोट देंगे। आप मनोरमा देवी के दीजिएगा? हाँ। तभी करेंगे लालू जी के वोट देंगे? नहीं मनोरमा दीजिए के दे देंगे। चलिए सीधे तौर पे जनता का मूड हम समझ रहे थे और जिस प्रकार से लगातार इस बार यहाँ के लोगों ने आह्वान कर दिया और कहा है कि इस बार लालू यादव फिर से जीत हासिल करेंगे और सुरेंद्र यादव के बेटे को कोची छिटते हैं? दावा छिटेंगे यार। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा जेकर अभी का भविष्यवाणी कर दे? सुरेंद्र यादव के बेटा की मनोरमा देवी, ये अब कैसे अभी कह दे? अरे केकरा कोई पसंद हम तो हम हमरा तो पसंद है सुरेंद्र यादव के बेटा। बेटा चलिए ठीक है, सीधे तौर पे और काटो भरा मुकाबला होगा और यहाँ के लोगों ने सीधे तौर पे आह्वान कर दिया है कि राजद पार्टी से जो सुरेंद्र यादव के बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी धमाकेदार जीत होगी। सहयोगी ऋतिक के साथ रोहित गया।